दिवाळीच्या मुहूर्तावर भारतीय जनता पार्टीचे प्रभाग क्रमांक 103 चे नवनिर्वाचित नगरसेवक मनोज रॉय यांनी प्रभागातील सर्व नागरिकांच्या घरी जाऊन मिठाई आणि लहान मुलांना चॉकलेटचे वाटप केले. सबका साथ सबका विकास हे नरेंद्र मोदींचे ध्येय नजरेसमोर ठेवून त्यांनी प्रभागातील महिलांसाठी बचत गट सुरू करण्याचा त्यांचा मानस आहे. आजारपणावर मात करण्यासाठी सर्वप्रथम ते त्यांच्या प्रभागातील पाण्याची समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेली स्मार्ट सिटी योजना ही प्रभागात लवकरात लवकर आणू असेही त्यांनी सांगितले. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. मेरा वार्ड नंबर 103 है, कल्याणपुर का कैलाश नगर, और मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, अभी तो जीत गया. मेरी तरफ से दिवाली की सब जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं. मैं चाहूँगा कि दिवाली का दीवा जैसा उजाला देता है, उस उजाले वही उजाला हमारे जितनी जनता है, हमारे जितने प्रवासी है, हमारे मित्रगण है, भाई बहन है, उनके सबकी ज़िंदगी में उजाला आवे, सबको सुख समृद्धि मिले और सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे. ये मेरी दिवाली की शुभेच्छा है. और हमारे वार्ड में समस्या इतनी है कि वो गटर तो आपने देखा, सब गटर खुले हैं, लेकिन वो समस्या बाद में है. पहले जो पानी पीने का आता है, पानी दो दो तीन तीन दिन आता नहीं है, और जो पानी आता भी है वो गटर मिक्स पानी आता है, क्योंकि जितनी पाइपलाइन है सब गटर के अंदर से है. गटर खुले हैं, उस गटर के अंदर से पाइपलाइन है, और 10-12 साल सब पाइप को हो गया है, पाइप को सब जंग पकड़ लिया है, और कुछ पाइप टूट गए हैं तो गटर का पानी वो पानी की लाइनों में जाता है, और जिससे कि वो गटर का पानी मिक्स होकर के मुंसिपल का पानी जो आता है, गटर मिक्स पानी आता है, और वो बेचारे घर के बच्चे गरीब लोग वही पानी पीते हैं. तो पहली समस्या है कि पानी, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, पहला मुद्दा वही है. मैं चाहता हूँ कि आमदार साहब से और सबसे मिल करके फंड जमा करके पहले हमको, क्योंकि हम लोग का फंड तो मार्च के पहले मिलेगा नहीं, तो पहले पानी का लाइन का समस्या, पानी का समस्या जो है उसका हल निकालना है हमको, उसके बाद में हम गटर का समस्या हम लेंगे. और हमारा कल्याणपुर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी एक भी, एक रुक्मणी हॉस्पिटल है, वो भी वेस्ट में है. कल्याणपुर में कैसा है कि क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं निकाला दे दिया है, कुछ काम ही नहीं हुआ इधर, ना एक गार्डन है, ना कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान है, ना इधर हॉस्पिटल है, कुछ भी सुविधा नहीं है. कल्याणपुर के जितने रहवासी है, जितने नागरिक हैं, एक भी सुविधा नहीं है कि एक गार्डन खोलने के लिए, एक बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो, बच्चे क्रिकेट खेले, कुछ निकल के स्पोर्ट्स में आगे निकले, ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं है कल्याणपुर में, हॉस्पिटल भी नहीं है. तो हम, मैं चाहूँगा कि अपने मेयर साहब जो शिवसेना के राजेंद्र देवकर जी, उनसे मिल करके हम रखें, और बजट में इसको डाल करके हम कल्याणपुर का हम लोग दिखावे कि कल्याणपुर से महापौर, उपमहापौर, स्टैंड कमेटी चेयरमैन सब उठ गए, लेकिन विकास के नाम पे कल्याणपुर में आज तक नहीं है. आप कल्याणपुर में पहुँच के आइए, कल्याणपुर में एक गार्डन नहीं मिलेगा, एक खेलने के लिए मैदान नहीं मिलेगा बच्चों के लिए. हम लोग को सुबह वॉकिंग के लिए जाना है तो सिवाई चौक के आगे उधर काला तालाब जाते हैं, इधर से काला तालाब वॉकिंग के लिए जाते हैं. आप सोच सकते हैं कि कितना कल्याणपुर को उन्होंने वंचित करके रखा है. कोई सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है. मैं चाहता हूँ कि 5 सालों में मेरे वार्ड में जितनी सुविधा हो सके, जितना भी आरक्षण है उसमें, गार्डन का है या खेलने का मैदान का है, सब सुविधा मैं बच्चों को दूँ, नागरिक को सब सुविधा दूँ. उसी के लिए वही सुविधा के विकास के नाम पे ही मैंने वोट मांगा है. मैं किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगा है, मैं सिर्फ एक ही बोला हूँ कि सबका साथ सबका विकास, और उसी विकास के मुद्दे पे मैं वोट मांगा है, और वही विकास मैं 5 साल में करना चाहता हूँ. और नागरिक ने जो इधर के रहवासी लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा दिया, उसके लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं.